तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब लियो मूवी इज ऑसम, मज़ा आ गया। मतलब धमाकेदार, उसका कनेक्शन, फाइट सीन, सब कुछ। मतलब इनका जो प्रमोशन था लाइक ब्लडी स्वीट भाई, वो सब कुछ देखने को मिला है। इनका जो मेन, मैं कहूँगा ना थंबनेल कह सकते हैं हिसाब से, इनका फेस जो ब्लडी स्वीट करके जो हर बार प्रमोशन कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे ब्लडी मंथ बिगिन, भाई ब्लड देखने को मिला है और धमाकेदार तरीके से ब्लड देखने को मिला है। मैं कहूँगा ना लोकेश कनगराज ये डायरेक्टर यार खा गया। ये बंदा जो धमाकेदार लेवल की इसकी डायरेक्शन है, मतलब ऐसा विजन, ऐसा धमाके, मतलब एक्शन में भी एक वैरायटी हमें देखने को मिल सकती है, वो यहाँ से हमें देखने को मिला। एक्सपीरियंस मैं कहूँगा ऑसम है, बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। आप जाओ देखो, मज़ा आएगा, दमदार मूवी है। स्पॉयलर कुछ नहीं दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें जरूर बताऊंगा कि आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि वाकई में लियो में आपको मिल आखिर मिलने क्या क्या वाला है। भाई मज़ा आएगा। लोकेश कनगराज ये नाम ना भाई, ये चमकने वाला है क्योंकि इसकी डायरेक्शन, इसका विजन ऑसम है भाई। मैं कह रहा हूँ ऑसम है। स्टार्टिंग में वो कार चेजिंग वाला सीन से शुरुआत करेंगे, ज़बरदस्त है। हाँ, VFX CGI का थोड़ा चीज़ है कि ये पकड़ में आ जाएगा, फेकिस लगेगा, बट ठीक है, आपको मज़ा आएगा। बाकी ये चीज़ नई चीज़ देखने को मिलेगी कि यार एक हॉलीवुड वाला जो मोमेंटम है वो आपको यहाँ से फील होने को मिल जाएगा। ब्लॉकबस्टर सीन कौन सा लगा? वो कैफ़े के स्टार्टिंग में वो फाइट सीन सिक्वल वाला, वो अच्छा लगा। हाइना वाला सीन वो भी अच्छा लगा। हाँ, पकड़ में आ जाएगा कि यस यार ये फेक है, लेकिन दमदार है भाई। ऐसी विजन रख पाना वो दमदार है। मूवी 250 से 300 करोड़ के बजट में कंप्लीट करी गई है, दमदार है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकते थे, एक आध कैरेक्टर को थोड़ा सा यूटिलाइज अच्छे से कर सकते थे, बाकी ऑल आर थिंग्स आर अमेजिंग, सब कुछ बढ़िया था। देखो लियो के ट्रेलर और टीजर से हमें क्या लग रहा था कि ये मूवी, और उसके प्रमोशन से भी क्या लग रहा था कि इस मूवी में हमें सिर्फ एक्शन देखने को मिलने वाला है, सिंपल स्टोरी लाइन होगी, ये वो वगैरह वगैरह, और क्या कहते हैं, हमें मारधाड़ खून खराबा देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। बट यार आपको यहाँ ना बहुत ख़तरनाक सस्पेंस थ्रिलर भी मिलने वाला है, मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसा होता है लियो का ना पास्ट है, एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट हाफ में, कहाँ पर अपना बंदा लियो, मतलब थालापति विजय, अपनी फैमिली ब्यूटीफुल वाइफ त्रिशा कृष्णन के साथ वो कहाँ पर रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, ज़बरदस्त तरीके से अपना एक कैफ़े के ओनर हैं और वहाँ एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं अपने पास्ट को छोड़कर। लेकिन वही चीज़ कुछ ऐसा होता है कि वो पास्ट कनेक्शन होने लग जाता है, फिर अपने हेरोल्ड दास हैं अर्जुन सारजा, फिर अपने संजय दत्त हैं वही एंटनी दास भाई, ये दोनों इसके जब पीछे पड़ते हैं फिर आपको कहानी में थोड़ा मज़ा आएगा, कहानी थोड़ा समझ में आएगी। फर्स्ट हाफ में पहले बताऊं, फर्स्ट हाफ दमदार है, ऑसम है। फर्स्ट हाफ में आपको सब कुछ फास्ट एंड फास्ट देखने को मिलेगा, फाइट सीन सिक्वल ऑल आर, मतलब सब कुछ कनेक्टेड कनेक्टेड फील होगा और अच्छा खासा भी लगेगा, सीट से जोड़ के रहेगा, इमोशनली आप अच्छा खासा कनेक्ट हो जाओगे, फील करोगे उस मूवी को, मतलब जो लोकेश कनगराज तुम्हें दिखाना चाहते हैं वो आप फील करोगे वहाँ पर। और सेकेंड हाफ का अगर मैं बताऊँ तो सेकेंड हाफ में ऐसा नहीं कि जैसे फर्स्ट हाफ में आपने क्या करा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया, अब क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे इससे भी ज़्यादा मिले। इट किस वे में ज़्यादा मिले, फाइट सिक्वन एक्शन इस में ज़्यादा मिले, बट ऐसा नहीं है। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग है और थोड़ा सा कहानी लगेगा कि हाँ खिंच गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे, अच्छा लगेगा, सीट से चिपका के रहेगा। लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो LCU कनेक्शन सेट करने के लिए कुछ एक मोमेंट उन्होंने रखे हैं। दूसरा थालापति विजय, यार ये बंदा सुपर अमेजिंग, मतलब 50 की उम्र में भी आकर इस बंदे ने जो एक्टिंग करी है, जो फाड़ के रखा है, मतलब कैरेक्टर में ऐसा घुसा है भाई। देखो सामने हमारे विलेन में कौन कौन है, अर्जुन सारजा, यार इसका जो हमने ग्लिम्स देखा था, देखकर लग रहा था कि भाई सबसे खूंखार विलेन होने वाला है। संजय दत्त जिसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, जिसके चलने का जो अंदाज है भाई, मज़ा आ गया भाई, चुम्मेश्वरी बाय गॉड, जो चलने का अंदाज है संजय दत्त का, वो जो कैफ़े वाला सीन था ऑसम था भाई, जब वो निकलते हैं पीछे से वो झुक के चलना, यार संजय दत्त से बैटर कौन कर सकता है, और इनके जैसा एक्टर कौन हो सकता है जो विलेन के रूप में ऐसे घुस रहे हैं। दूसरा इन सबको जो फेस कर रहे हैं हमारा थालापति विजय भाई, जो मतलब मैं कह रहा हूँ ना पूरा बैलेंस क्या है,
एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव का बैलेंस होता है, इस बंदे ने वो बैलेंस मेंटेन किया है और जबरदस्त तरीके से किया है। भाई खा गया ये बंदा। मतलब लियो मतलब दो कैरेक्टर देखने को मिले, एक प्रेजेंट एक पास्ट। प्रेजेंट में क्या है कि हमारा लियो थोड़ा अब हो चुका है ओल्ड फैमिली मैन हो चुका है, एक बंदे को मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गया है। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि यार ये बंदा ना आपको वहाँ पर इतना इमोशनली कनेक्ट कर देगा, हेल्पलेस फादर जो होता है, एक हेल्पलेस पिता, भाई वो वाला सीन में ऐसा घुसा है वो बंदा, इमोशनली ऑसम है, आपको भी बहुत कनेक्ट कर जाओगे। लेकिन जो पास्ट का लियो था, हमारा पास्ट का थालापति विजय, उसमें तो अलग ही जज्बा, लौंडा मौंडा कहाँ किसी से कहीं झुकने वाला है। तो वो एक लियो अलग है, ये एक लियो ही अलग है। यहाँ पर ये फैमिली मैन हो चुका है, पहले वो एक राउडी खतरनाक बंदा था। तो वही चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वही वो मज़ा आने वाला है, वो सब चीज़ें देखकर आपको मज़ा आएगा। बाय गॉड, फर्स्ट हाफ में फिर कह रहा हूँ दमदार है, ऑसम है, सेकंड हाफ में ऑसम है। मूवी ओवरऑल बहुत धांसू मूवी है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस मूवी से, यस वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। दूसरा, मल्टीपल कैमियोज भी बहुत हैं, टोटल धमाका मल्टीपल कैमियोज हैं। उसमें से मैंने आपको एक पहले भी बताए थे लेकिन आपको नहीं बताऊँगा, आप जाए मूवी खुद देखें। भाई ये मूवी बाय गॉड सामने से देखने वाली है, ऐसा कोई, मैं वही कह रहा हूँ स्पॉइलर यहाँ बिल्कुल नहीं दूंगा। संजय दत्त ऑसम है, अर्जुन सारजा, हेरोल्ड दास हमारे, भाई ये बंदा मजा आ गया, ये भी धांसू कैरेक्टर है। ओवरऑल मूवी दमदार है, लोकेश कनगराज से जितना हो सकता था उसने इसको बैठाया है और बहुत अच्छी तरीके से बैठाया है। तीसरा, अनिरुद्ध की मैं दाद देनी पड़ेगी यार, ये बंदा म्यूजिक इंडस्ट्री में मतलब म्यूजिक कंपोजिंग में बहुत ही आग फाड़ने वाला है। इसका जो BGM है, इसका जो म्यूजिक है, एक एक सीन को मतलब एक ऑर्डिनरी सीन को भी ऐसा जान भर दे रहा है इसका म्यूजिक, वो ऑसम है। तो भाई ये चीज़ सब कुछ आपको एक्सपीरियंस करने में मज़ा आएगा, ये मूवी आप देखो, दमदार है। तो बाकी ये तो रही मेरा ओपिनियन, आप लोगों की क्या राय है, जो भी आपकी राय है, आपने अगर ये मूवी देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नहीं देखिए तो जाके देखिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना। बाकी मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।